तो यार पता है इंडिया में आजकल क्या सीन चल रहा है, जितने भी क्लासिकल एक्टर्स है ना, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, ये सब लोग यार बॉलीवुड की मूवीज छोड़ के ना पूरी तरह से प्रेफरेंस इंडियन टीवी सीरीज को दे रहे हैं। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि भाई टीवी सीरीज के ऊपर कोई सेंसर बोर्ड की तलवार नहीं लटकी होती। तो ना सिर्फ इन एक्टर्स को पूरी फ्रीडम देते हैं कि यार चौड़े में फैल के लोग अपनी आर्ट दिखा सके, बल्कि जो इंडियन राइटर्स है ना उन लोगों को भी एक फ्रीडम मिलती है कि यार वो कायदे से इंडिया का जो रॉ नेचर है वो टीवी सीरीज में निकाल के ला पाए। तो भाई फैमिली मैन और मिर्जापुर के बाद अमेज़न प्राइम एक और घातक सीरीज लेके आया आप लोगों के लिए, पाताल लोक। तो यार पाताल लोक की बात करें तो क्राइम सीरीज है जिसमें चार लोगों की एक टीम को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि एक लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट संजीव मेहरा को असैसिनेट करना है। पर इससे पहले बेचारे कुछ कर पाते, हमारी मुस्तैद दिल्ली पुलिस इन लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्द पहुंचती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन चली जाती है यमुना पार के इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के पास। अब भाई कसम से बता रहा हूँ, जितनी सिंपल स्टोरी सुनने में लग रही है ना, सीरीज खत्म होते होते सर पकड़ के बैठ जाओगे, इतनी घातक स्टोरी है भाई इसमें। तो अब आपको इसके कैरेक्टर से मिलवाता हूँ। भाई सबसे पहले हमारे ये हाथीराम चौधरी, यार इस आदमी को ना हम में से हर किसी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी पिक्चर में जरूर देखा है, पर आप में से आधे लोग भी ना तो इसका नाम बता पाओगे और ना इसकी मूवीज बता पाओगे। तो भाई फिर आते हैं उन चार लोगों की टीम की तरफ। भाई सबसे पहला आदमी ये अपना कंपाउंडर, यार की तो शक्ल देख के लगता है कसम से अगर ये टीवी सीरीज में एक्टर नहीं होता ना पक्का साला सीरियल किलर ही होता है। फिर आता है भाई ये सस्ता शाहिद कपूर, इसका नाम है सीरीज में टॉप सिंह, भाई कतई उड़ता पंजाब का शाहिद ही लग रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक पे ऐसे ही बजता रहता है इसके पीछे। बस फिर आती है हमारी कुक्कू, ये पाताल लोक की कुक्कू है, ये तो पता नहीं क्यों ही है सीरीज। बस फिर आता है हमारा वो रिनाउंड जर्नलिस्ट अपना पारुलकर, भाई इस आदमी सही में जितने सेक्रेट गेम में हरामी था ना उससे ज्यादा हरामी है भाई ये पाताल लोक में। तो भाई अब मैं आप लोगों को बताऊंगा चार इंपॉर्टेंट रीजन क्यों ये एक मस्ट 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 वॉच टीवी सीरीज है। तो भाई सबसे पहला रीजन है जयदीप पहलावत, यानी हमारे हाथीराम चौधरी की एक्टिंग। यार बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आप पूरी सीरीज छोड़ के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को पिन आउट करते हो, पर यार सीरियसली ये बंदा डिजर्व करता है। मनोज वाजपेयी की फैमिली मैन वाले कैरेक्टर को भाई पूरी पूरी टक्कर दे रहा है इंसान पाताल लोक में। सेकंड रीजन है भाई इसकी स्टोरी लाइन, यार मुझे पर्सनली लगता है कि अगर ये सीरीज चलेगी तो प्योरली अपनी स्टोरी के बेसिस पे चलेगी। मतलब यार इतनी यूनिक और इतनी एपिक स्टोरी लिखी गई है भाई इस सीरीज की कि एक सिंपल से दिखने वाली क्राइम सीरीज कहां से कहां चेंज होगी, पॉलिटिक्स मीडिया सबको इतनी बुरी तरह से इन्वॉल्व कर लेगी कि भाई सीरियसली जब सीरीज खत्म होगी आप सर पकड़ के बैठे होगे यार अपना। भाई तीसरा पॉइंट है भाई ग्राउंड रियलिटी, मतलब सीरियसली यार हमारे सिस्टम में मीडिया, पुलिस, CBI, ये सब लोग ग्राउंड रियलिटी पे किस तरह से काम करते हैं पर सब कुछ इस सीरीज में बहुत ब्लंटली दिखाया हुआ है। पर यूपी के भाई छोटे शहरों में बढ़ता हुआ क्राइम, माइनॉरिटीज की खराब हालत, सब कुछ भाई बहुत प्रॉपरली पोर्ट्रे किया हुआ है इस सीरीज में। तो भाई फोर्थ सीजन बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ये टीवी सीरीज अनुष्का शर्मा की प्रोडक्शन हाउस में बना हुआ है और हम सब जानते हैं कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली समेत स्टेट हाउस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यार ये रीजन है कि इस सीरीज में मैन और डॉग का जो रिलेशनशिप है उसको इतना ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया हुआ है कि जब ये सीरीज खत्म होगी ना यार आपके चेहरे पे अलग ही स्माइल होगी। ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है यार इस प्लॉट का और वो चीज इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। तो यार ये तो हमारा पाताल लोक का रिव्यू, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो इस पे और यार अपने दोस्तों को भी शेयर करके दिखाओ यार ये रिव्यू एक बार। शेयर करने का कौन सा डाटा लग रहा है यार, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, और यार आप हम लोगों को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो bay.rose.gar। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।